ब्यूटीफुल्स, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू अंदर ब्राइन न्यू वीडियो होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे राइट सो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में पानी पीते हुए कर रही हूँ मैं यूजली तांबे के ग्लास में पानी पीती हूँ क्योंकि इसके कोई इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आपको भी पता लग जाए तो आप भी इसमें पीने लग जाएँ जैसे मैं नमाज़ पढ़ के नीचे आई तो मामा ने कहा मुझे थोड़े से फ्रूट्स काट दो तो मैंने मामा के लिए अमरूद और साथ में एप्पल काट दिए अच्छा ये जो मैं मसाला चे रख रही हूँ ये इंडिया का है और ये जलानी जल यार इसका टेस्ट को इतना ज़्यादा टेस्टी है अगर आप एक दफ़ा खाएँ तो बार बार खाएँ सो तो जो इंडिया में रहते हैं वो इसे मस्त परचेज़ करें और इसका रिव्यू मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करें ये मैंने एप्पल काट लिए साथ में मैंने ये चाय बनाने के लिए रख दी और इसके साथ में बिस्किट अच्छी ये नाश्ता मैंने अपने भाई के लिए बनाया था जो अपने लिए बनाया भाई मैं बहुत देसी टाइप लड़की हूँ मैं पहले बता रही हूँ मजाक कर रही हूँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सुबह जैसी उठी ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सिर्फ चने कुलचे खाऊंगी अगर चने कुलचे नहीं मिल रहे तो मुझे कुछ भी नहीं खाना तो मैंने फरमाइश की और ऐसा हो सकता है मैं फरमाइश करूँ और कोई पूरी ना करे बोलो बोलो ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी नहीं पता नहीं कहाँ से मैं वैसे लेट इतना उठती हूँ मुझे तीन बजे उठते हैं उठते उठते तो तीन बजे कहाँ से लेकर आए आई डोंट नो बट मैंने बहुत इन्जॉय करके खाया मैंने कुलचा अपने लिए तला और साथ में चने थे बहुत मज़े का लगा अच्छा मुझे तले हुए कुलचा ना ज़्यादा अच्छा लगता है पता नहीं हर खाने के साथ मेरा होता है कि तला हुआ कुलचा खाया जाए साथ मैंने अपने लिए दूध लिया और ये मेरा कुलचा भी ऑलमोस्ट तल चुका था अच्छा मैं आपको बता रही थी तांबे के ग्लास में पानी पीने के कोई इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना आपकी स्किन के लिए इवन बहुत अच्छा है आपको पता है स्किन के लिए जो जो कॉन्शियस है ना मैं कहूँगी कि आप तांबे के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दें आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए उसकी हाइड्रेशन के लिए उसमें होने वाली एखनी के लिए कुछ नहीं होने देता आपके स्टमक के लिए स्टमक में होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपकी डाइटेशन के लिए आपके लंग्स के लिए आपके एक अंदर पूरा जो सिस्टम चल रहा होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है तो मस्ट आप तांबे के ग्लास में पानी पी और मैं नाश्ता इंजॉय करती हूँ मैं अभी नाश्ता कर ही रही थी कि बेल बजी और पता चला दराज से मेरा पार्सल आ गया अच्छा दराज की ग्यारह ग्यारह की सेल में से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ मंगवाया कोई इतनी अन्यवा शॉपिंग हुई है ना दराज से अन्यवा शॉपिंग हुई है तो मैंने भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं वो मैं अपने कमरे में लेके जा रही हूँ कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है तो आप सब लोग अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस रात से कैसा रहा तो मुझे ये भी दो पार्सल रिसीव हो गए थे और मुझे लग रहा है कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि ग्यारह ग्यारह की सेल है बहुत से लोगों ने ऑर्डर की है तो क्वालिटी पर इतना कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर सकते डन डल अपनी क्वालिटी तो देखते हैं क्या होगा आज मम्मा को वैसे लगा हुआ था डीप क्लीनिंग में डाइनिंग रूम में आई थी तो मम्मा डीप क्लीनिंग करवा रही थी ये सारी कुर्सियाँ बाहर निकाल के ना पूरा डाइनिंग रूम फैला हुआ था और वो सफाइयाँ कर रही थी मैंने कहा चलो होने दो हमारे भी बहुत हमें भी काम है मैं ऊपर जैसी आई तो मैंने देखा कि अब सर्दी वैसे सच्ची में यार बहुत ज़्यादा आ गई है मैंने अभी तक अपनी अलमारी नहीं सेट की थी तो मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है तो मैं ये काम कर ही लेती हूँ वैसे बहुत आलसी हूँ पता नहीं समटाइम्स ना मेरा नहीं दिल करता काम करने का मगर अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कब तक बर्दाश्त करनी है तो मैंने कहा अलमारी सेट कर लेती हूँ अलमारी अभी ना न्यूली बनी है पेंट हुई थी तो अभी लोक नहीं लगे इनशाला एक दो तो दिन में लग जाएंगे इनशाला तो मैंने अपने कपड़े निकालना शुरू किए मुझे था इस कबेड में कुछ नहीं होगा मगर यहाँ पे भी लोन के कपड़े पड़े हुए थे मैंने निकाले सारे तय किया अच्छा एक ना मुझे बेनिफिट होता है हम मामा हमेशा ऐसा करवाती हैं जैसे एक सीज़न एंड होने वाला होता है ना जैसे हमारा भी समर एंड हुआ तो समर के सारे कपड़े प्रेस करके रखवाएंगी ताकि जब अगले समर में निकालें तो उस पर बस हल्की सी प्रेस हो या नहा भी वो पहन लिए जाए तो पता नहीं चले तो इस तरह ही हमारे विंटर के भी सारे कपड़े ना प्रेस हुए हुए पड़े हुए होते हैं आपको न से वैसे आ रहे होंगे ये सारे प्रेस हुए हुए पड़े थे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बहुत ही ईजी रहता है और इन्हें जल्दी से फोल्ड करके रख दो तो बहुत इजी काम रहता है और ये मेरी सारा मुझे ना अंदर से पता नहीं मुझे घबराहट रही थी मैं सब कुछ काम कैसे करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आया था और मैं बस कोशिश कर रही थी यार मिनाहिल सब कुछ नहीं आता करना है आज ही करना है सो so, मैं ऐसा ऐसा करके सारे के सारे कपड़े निकाल रही हूँ अलमारी में से बहुत ही ज़्यादा मेस्टअप हुई थी अच्छा ये लहंगा है मैं इन कुछ दिनों में पहन के आपको फुल पेके इसकी शो करूँगी अगर मैंने पहन लिया ठीक है और ये सारे कपड़े निकाल लिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने सारा बेड तो फैला लिया अब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से मीटूँ तो मैंने ये अभी आधे थोड़े मैंने सेटल्ड कर लिए मैंने गर्मियों के ऊपर रखे जो ऊपर एक पोर्शन में आ सकते हैं बाकी के मैंने बैग्स बना के ना सबसे ऊपर वाली जगह खाने में रख दिए और ये जो कैजुअल वेयरिंग होते हैं ना वो मैंने ऊपर ही रख दिए और सर्दियों के मैंने नीचे रखना शुरू किया उसके नीचे पेंटें रखी उसके नीचे स्वेट रखी और जो हैंगिंग होने वाले थे वो साथ हैंगिंग किए और साथ मैंने कुछ शर्टें आप लोगों के लिए भी निकाली ताकि मैं इनके ये वो ड्रेसेस हैं जो मैंने नहीं पहने बिल्कुल भी मैं इनकी साथ ही ना ऐसी बस बनवा के लास्ट टाइम रखती है क्योंकि पता नहीं एंड पे बने थे सारे और एक का तो देखें टैग भी नहीं उतरा कुछ शर्टें ऐसी पड़ी हुई होती हैं इनमें से एक दो मैंने पहनी हुई भी, भी हैं और कुछ नहीं पहनी इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर शेयर करूँगी आप लोगों के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ तो आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो और जिसने पिछली नहीं देखी वो भी देखें उसमें भी बहुत ज़्यादा इंफॉमेशन थी उसमें दावत हुई थी और बहुत कुछ बनाया था बड़े मज़े के पिज्ज़ा फ्राइज़ बनाए थे अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें तो ये सारा मेस्टअप हुआ हुआ था मुझे समझ नहीं था अच्छा मैंने सबको सिमेट लिया ना उसके बाद ये तीन चार शर्टें और लोन की निकल गई और मुझे समझ नहीं था वहाँ अलमारी की स्पेस बिल्कुल ख़त्म थी जहाँ मैं ये शर्टें रख रही थी और ये और निकल कर आ गई और ये कुछ ये ऐसी शर्टें जो मैंने अभी पहनी भी नहीं है और मुझे ऐसे रख रही थी मैंने कहा यार मैंने क्यों नहीं पहनी पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ घोर गया ये मैंने अलग से आपके लिए शर्टें निकाल के रखनी है जिनकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल प्रेस करवाऊँगी और परसों की वीडियो में अपलोड कर दूँगी साथ उनकी डिटेलिंग ड्रेस की डिजाइनिंग सब कुछ शेयर करूँगी तो मैंने साइड पर रख दें दे मेड आएगी उसे इस तरीके करवा कर आपको शो करूँगी ये साथ ना अच्छा लोन की शर्ट्स के साथ दुपट्टे थे तो ये वाली शर्ट है ना हमने पहनी ही नहीं तो ये प्रिंटेड दुपट्टा मुझे कोई इतने प्यारे लग रहे थे मैं सोची थी कि इसके साथ ना वेलवेट प्लेन वेलवेट लेके इस वाले के साथ शोपिंग पिंक वेलवेट लेके और दूसरे वाले के साथ ग्रीन डार्क ग्रीन वेलवेट लेके ना बहुत सिंपल शर्ट और ट्राउज़र उसका सिलवाएं डिज़ाइनिंग के आप मुझे कमेंट्स में बताएगा कि वो कैसा लगेगा अभी मैंने बटे निकाल के साइड पर रख दिए मामा से डिस्कस करूँगी इसके बारे में अभी मामा से डिस्कस नहीं किया जैसे डिस्कस करूँगी तो मैं फिर बताऊँगी कि ये कैसा बनेगा और अगर बनवा लूँगी तो इसकी डिटेलिंग ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ ठीक हो गया सो so, ये अच्छा मैं काम करके ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ खा लूँ मुझे भूख लगने लगी थी तो मैंने ये दुपट्टे हैंग वापस करके अलमारी में रखी और मैं नीचे आ गई मम्मा ने कल राइस बनाए थे उसके साथ आलू मटर काजर वाले राइस बनाए थे और उसके साथ ये चटनी कहते हैं रायता जो भी है ये बना हुआ था मैंने ये डाला साथ में राइस गर्म किए और मैंने कहा अब इसे इंजॉय करते हैं सब से बैठ के आज बहुत काम कर लिया मैंने टी ऑन किया वहाँ जब ममा ने पहले ना एक मूवी लगा दी वो अब अच्छी नहीं लगी उसके बाद मम्मा ने गाने लगा दिए फिर मम्मा ने कहा नहीं क्योंकि आके शादी पड़ी ना इसलिए गाने लगा दिए थे तो बस थोड़ा सा इंजॉय करके खाना अपना कंप्लीट किया और एट द एंड सर में दर्द होने लग गई थी तो कॉफ़ी ली वैसे सर्दियाँ बहुत कॉफ़ी ले लो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मेरी वीडियो का एंड था सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर देगा और अगर आप मेरी इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ और आप इजिली देख लें थैंक यू सो मच अला हाफिज़